मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें प्रधान सेवक ने इशारा किया कि पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके ज़रिए राशन मिलता है गरीब परिवारों को भी और दूसरे परिवारों को भी, और टारगेटेड पीडीएस, तो पीडीएस के बारे में कहा जा रहा है, इशारा किया गया है कि शायद उसे बंद कर दिया जाएगा। हमारा ये मानना है कि भारत जैसे देश में जहाँ विषमताएँ बहुत ज़्यादा हों, पैसे को लेकर, आमदनी के स्तर को लेकर, आमदनियाँ बहुत नीची भी हों, बहुत ज़्यादा भी हों, बीच में मिडिल क्लास भी हो, लोअर मिडिल क्लास भी हो, ऐसे में पब्लिक हेल्थ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये तीन चीज़ें सब्सिडाइज होनी चाहिए हमारे हिसाब से। हमारा ये मानना है ये एक ऐसा नेट होता है, सेफ्टी नेट होता है, जिससे सर्वाइवल, जिंदा रह पाना मुमकिन होता है। हेल्थ को ही लेते हैं, पिछले कुछ दशकों में, मैं मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पहली सरकारों की भी बातें कर रहा हूँ, हेल्थ पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा बहुत कम हुआ है। अब नीति आयोग ने यह सलाह दी है कि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण कर दिया जाए, जबकि स्वास्थ्य सेवा हमारे हिसाब से गरीब आदमी भी है उसको भी चाहिए होती है, और जो गरीब लोग हैं वो या तो उधार लेकर स्वास्थ्य सेवाएं लेते हैं प्राइवेट, या फिर कुछ बेच के, ज़मीन बेच के आते हैं। कभी दिल्ली आना हो आपका, दिल्ली वाले तो जानते हैं, दिल्ली आकर देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाहर देखिए आप, फ्लाईओवर के नीचे देखिए, भीड़ लगी होती है, लोग सोए होते हैं सड़कों पर, फुटपाथ पर, गांव से आए हुए लोग हैं, अपने रिश्तेदारों को लेकर आए हैं, बीमार लोगों को लेकर आए हैं, फ्लाईओवर के नीचे जहाँ जगह मिलती है सोते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर वहाँ मुहैया नहीं है, और ये सरकारी अस्पताल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये लोग महंगे अस्पतालों में जा नहीं सकते। हमारी सरकार सिर्फ 1.4% GDP का स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रही है, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है हेल्थ में, 3.3% GDP उसमें जाता है, या लोगों का खर्चा उसमें जाता है। इस तरह से ये मिलाकर 4.7% GDP बनता है, GDP का, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर जनता खर्च करती है। जो नॉर्म है, जो नियम सा बना हुआ है पूरी दुनिया में, वो है 2.5% GDP कम से कम खर्च होना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं पर। सरकार हमारी 1.4% कर रही है, 1.4% कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, चीन में 5.5% खर्च किया जाता है GDP का स्वास्थ्य सेवाओं पर, अमेरिका में 17% GDP का स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है, और दुनिया की एवरेज 10% है। पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बदतर ही हुई है। नमस्कार।